दिल्ली में सफाई कर्मचारी उनको पक्का ना करना, सीवर डैक्स को रोकने के लिए चर्चा, चंडीगढ़ के अंतर्गत स्कूल कॉलेजों में एडमिशन आरक्षण के आधार पर ना मिलना, डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड को किसी अन्य जगह पर स्थानित करना, ये आज हमारे विषय रहे हैं। इन विषयों पे हमारे सारे जनरल हाउस ने डिसीजन लिया है, क्योंकि जब से ये सरकार आई है, पहले कांग्रेस की सरकार भी रही है, उसमें भी ये मुद्दे चलते रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब 2009 में भाजपा सरकार आई, इन्होंने मैनिफेस्टो में ये वादे किए थे कि ये जो हमारे ज्वलित मुद्दे चंडीगढ़ के, इन पर सहानुभूतिक विचार होगा। लेकिन बड़े अफसोस के बात है कि 10 साल हो गए, किसी मुद्दे पे कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनी, कोई डिसीजन नहीं हुआ, किसी को पूछते नहीं, और जो हमारे दलित कौंसल पार्टियों में बैठे हैं, सबसे ज़्यादा उनकी फेलर है ये, क्योंकि वो समाज के मुद्दों को सही मंच पर उठाते तक नहीं है। आज के मंच से हमने सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम दिया है, अगर इन 7 मुद्दों पर जो आज सेमिनार में डिस्कस हुए हैं, सहानुभूतिपूर्वक कोई कमेटी बना के कोई सहानुभूति डिसीजन नहीं लिया गया, तो मजबूरन दलित समाज के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदारी नगर निगम चंडीगढ़ प्रशासन एवं भारत सरकार की होगी। आज की इस प्रेस में हम यही कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी मीडियाकर्मियों का धन्यवाद जो आपने आके आज यहाँ पे इस मुद्दे को उठाया, और साथ के साथ ही हम बताना चाहेंगे आपको कि जो आज के हमारे मेन मुद्दे थे, जैसे हमारे जो सीवरेज मैन हैं, जो उनकी डेथ हो जाती है, उनको उचित मुआवजा दिलाना, और सबसे बड़ी बात जो थी कि उनको बिना सेफ्टी के उनको उसमें मेन होल में गटर में उतार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक सरकार प्रशासन की धक्काशाही उन कर्मचारियों के साथ होती है, ठेकेदार की धक्काशाही उन कर्मचारियों के साथ होती है, कि बार बार बोलने के बावजूद उनको सेफ्टी जो है उनको नहीं प्रोवाइड की जाती, नहीं उनको दी जाती, तो कहीं ना कहीं अब हमारे जो समाज के साथ ये धक्का होता है, तो इस चीज़ के ऊपर हमारी आवाज़ है। और डड्डू माजरा में जो डंपिंग ग्राउंड है उसके ऊपर, जो डड्डू माजरा में जो डंपिंग ग्राउंड है उसके ऊपर जो इतना बुरा हाल वहाँ के आसपास के लोगों का है कि वहाँ पर इतनी बीमारियाँ हैं, चरम रोग, दमा, कैंसर, ऐसी बहुत सी बीमारियाँ वहाँ पर हैं, पर सरकार का, प्रशासन का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और बीते दिन एक देखा गया कि अमृतसर में जैसे गटर खोला था उसमें अनेकों सांप थे, तो ऐसे खतरे भी होते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं देखो, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर जो एक सिर्फ आज के टाइम में हम बोलेंगे कि जो ठेकेदारी प्रथा एक गुलामी की ये जंजीर है, एक किस्म से हमारे समाज को, अधिकतर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, उसको गुलाम बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, मुद्दों को जो आज एसोसिएशन उठा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, और इनके ऊपर ही आज का ये चर्चा है हमारी, कि जो समाज के साथ धक्का ये नहीं होना चाहिए। और जो खास करके जो आज जो हमारे समाज के दलित के साथ जो ये धक्का होता है, उत्पीड़न होता है, उसको चाहे जाति के तौर से ले लो, चाहे किसी भी मुद्दे से ले लो, उसको उत्पीड़न किया जाता है। आज अगर हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के भी अगर जो कहीं पर सर्विस लग जाते हैं, उसके बावजूद ही उनको उस भेदभाव की नज़रों से देखा जाता है, चाहे वो कहीं भी पढ़ लिख के कहीं अच्छे उद्योग में भी चले जाएँ, तो कहीं ना कहीं आज भी ऐसी मानसिकता जो है लोगों के घरों में है, दिमाग में है, तो हमें इस चीज़ के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि आज अगर जो हम सब एक समान हैं, आज हम बात करते हैं सर्वधर्म की, तो जो सर्वधर्म है, सर्व समाज है, तो सभी हम लोग बराबर के हकदार हैं, तो इसमें कोई भेदभाव आज के टाइम में नहीं होना चाहिए। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नमीत कौर है। और जिस तरह की सर पहले गल कर रहे थे कि बहुत भेदभाव है आज़ादी तो बाद, किधर ना किधर 75 साल की आज़ादी के बाद लगता कि फिर गुलामी का माहौल लग रहा, जिस तरह की आप दस रहे हो कि कुछ अपना जो होना चाहिए है एक आज़ाद ख्याल तो उस समय नहीं होता। सर मैनू लगता है कि जिवें बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि जिहड़ी आज़ादी है ना वो सिर्फ नाम की आज़ादी है, तद तक आज़ादी नहीं है जब तक कि मानसिक तो तुसी आज़ाद नहीं हो जाते। असी मानसिकता के तौर के उपर अज भी आज़ाद नहीं है, दिक्कत यह है असी गुलामी दे युग दे विच जी रहे हैं। तुसी देखो, तुसी पिंडां चले जाओ, शहरां दी गल करो, चंडीगढ़ वर्गे शहर दे विच वी अज भी असी जात पात दे गटरां विच फसे होए हैं। ठीक है, इत्थे भी तुसी देखो, ब्याह भी करना हैगा तो तुसी उहदे मैट्रीमोनी विच भी पाने हो स्पैशली कि मेरे समाज दे ही लोग सानू कॉन्टैक्ट करन, तो यह किते ना किते साडा कंसैप्ट हैगा कि असी जेकर गुलामी नू जब तक नहीं असी त्याग दे, मानसिकता वाली गुलामी नू, असी प्रॉपर आज़ाद नहीं हो सकते हैगे। चंडीगढ़ शहर जिहड़ा कि 2 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਯੂਪੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲਾਂ ਵੀ ਟੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
और सब तो बड़ी गल है कि ये जो यूज इस हद तक हो रहा है कि लोगों को पता नहीं लग रहा सही डायरेक्शन की और गलत डायरेक्शन की है। तुसी देखो सर साढ़े इतने महिलावान क्योंकि असं मैं महिला हैगी असं महिला ज़्यादा लीड करते हैं महिलावान पढ़िया लिखिया ने उन्होंने पता है कि साढ़े ये अधिकार है बट दिक्कत की है कि वह उन्होंने अधिकारों के नाल सड़कों के उपर नहीं उतर सकती क्यों क्योंकि पिछले घर वाला बैठा हैगा और लड़ाई करूँगा कि तू उत्थे की करन गई सी। खासकर जेडे आस पास की कलोनिया की गल करिए महिलावान की जो मानसिकता है वह पार्टीसपेट करना चाहदियाँ बट कितने ना कितने वह अपने आप तो डरदिया ने। सो इतने मैं तो गल कर रही हूँ कि बेसिकली असं आज़ाद भावें हाँ 1947 सानू आज़ादी मिली बट वो सिर्फ एक नाम की आज़ादी है मानसिक तौर की आज़ादी लिए अज भी असं संघर्ष कर रहे हैं भावें जात की होवें जेंडर की होवें धर्मों को लेकर होवे। तुसीं देखो किन्ने साडे मतलब कि धर्म परिवर्तन हो रहे हैं सिर्फ इसे आज़ादी के लिए कि भाई असं किसी दूजे का धर्म अडोप्ट करके शायद हो सकता आज़ाद हो जाइए। सो वो भी कितने ना कितने उत्थे भी तुहाडी मानसिकता जिहड़ी है जागरूक चकदी है। बीते समय सफाई करनियां दी चोण विच वी घपला होया लगदा कि कितना हुण जिथे वेंडरां नूं वी जबरदस्ती उठाया गया ते फिर एक गुलामी का माहौल बनाया जा रहा। सर गुलामी तो हैगी ही है तुसीं देखो वेंडरस कौन है साढ़े भाईचारे के बंदे ने तकरीबन सारे गरीब ने एंड तुसी देखो जेकर उही उन्हां कोल पैसा हुंदा तो वड्डे वड्डे शोरूम 17 सैक्टर के वड्डे वड्डे शोरूम डेढ़ डेढ़ लख रुपया महीने का वा 2.5 लख रुपया जेकर अफोर्ड कर सकते तो बेचारे सड़कों पर क्यों आती वड्डे शोरूम जाते बेचारे। लेकिन उन्होंने रीप्रजेंट करने वाले भी जो लीडर्स है वो बटे हुए हैं और इस करके बटे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी का है कि सानू चेयरमैनशिप मिल जाए भावें ओवरऑल कहते हैं कि हाँ असं रेहड़ी फड़ी के प्रधान हाँ असं ये प्रधान है रियलिटी यह है कि इतने गरीब न कोई नहीं पुछता कार्ल मार्क्स जो कहता से गरीब मार खाता है खाता रहेगा और तब तक खाता रहेगा जब तक एक प्लेटफॉर्म से एक चेन नहीं बना लेंदा उस चेन तोड़ नहीं दिता। चलते एक लास्ट सवाल है कि जिस तरह जो ऑफिसर जिन्हें लोग लगे पढ़े लिखे होंगे ने लीडर जो अनपढ़ होंगे उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं की होंगी आके अंगूठा साहब बिल्कुल होना चाहिए है। तुसी देखो एक IAS अफसर एक ट्रेनिंग राही गया है जबकि उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है कि किस तरीके दे नाल एडमिनिस्ट्रेशन लीड करना है बट हो की रहा है साढ़े तो डेमोक्रेसी है कहने साड़ी पूरे वर्ल्ड की सब तो बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया। तुसी देखो इस डेमोक्रेसी के भी ह्यूमन राइट्स किस तरीके वायोलेट हो रहे हैं 18 साल तो बाद उम्र का बंदा 18 साल का उम्र का बंदा भी वोट पा सकता है लेकिन वोट पाने के अधिकार से किनू चुन के आ रहे हैं ये मैं लगता लोगों की भी गलती है वो क्यों नहीं पढ़े लिखे इस वर्ग में चुनते हैं अपने लिए। दिक्कत की है एक टाइम जो साढ़े डॉक्टर मनमोहन सिंह चुने गए थे जिन्होंने वरत्या गया देखो जो सा फाइनेंस मिनिस्टर से कितना इतने LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नीति लिया के उन्होंने एक क्रांति लियाए थे वो पूरे इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम च और अज हालात इदा दे कि नौकरियां नहीं निकल दिया पियां। तुसीं देखो नौकरियां तो कोई लगता तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के उपर लगता पाया है और जेकर कोई लग जाता उसको अन्य अन्य लखा रुपया देने पैंदे नौकरी के उपर लगन के लिए जो गरीब की गल नहीं हैगी। सो ये साढ़े भी कितना दिक्कत है। चलते हो एक होर सवाल जिवें आपने मनमोहन सिंह की गल की राइट टू एजुकेशन एक्ट लैके आए थे राइट टू एजुकेशन एक्ट जो इंडिया कितने पालन किया गया और 25-30% गरीब परिवारों के जो बच्चे से फ्री ऑफ कॉस्ट इन आधारें पढ़ने लगता कि ये फंडिंग के करके नहीं उन्होंने बच्चों का जोड़ा कि जो हक मिलना चाहता नहीं दिता जा रहा। सर राइट टू एजुकेशन बेसिकली सी कि दैट मीनस 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री तो कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। तुसी देखो अज भी सड़कों के उपर साडे बच्चे गुब्बारे बनते नजर आते हैं और असं उन्होंने प्रमोट भी कर रहे हैं कितना कितने ठीक है लेकिन असं हालांकि इलीगल है सारी चीज़ा लेकिन दूजे पास तुसी फंडिंग की गल की है सेंटर कहती असी फंड भेजते हैं सरकार कहती है साढ़े को फंड आता नहीं स्टेटा की सरकार कितने ना कि दोनों चीज़ों में पिसा कौन जा रहा है एक गरीब वर्ग का बच्चा बस बस बस। सो इस करके राइट टू एजुकेशन जिस तरीके लागू होना चाहिए सर नहीं लागू होया एंड कोई भी इस मुद्दे के उपर प्रश्न नहीं चक रहा कॉन्वेंट स्कूलों में कौन पढ़ता है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां दिल्ली यूनिवर्सिटी जी है JNU कौन जाता है सिर्फ अमीर वर्ग के बच्चे जो गरीब है और गाइडेंस ही नहीं मिलती सर कि किस तरीके ग्रेजुएशन करनी है जो कि सब्जेक्ट रखिए साडा कैरियर बन जाए अगे जाके। पहली गल तो सर मैं क्योंकि एक महिला हैगी मैं हमेशा रिप्रजेंट करती हूँ चंडीगढ़ में इतों की हमेशा कोशिश होंगी है कि असी महिलावान मूहरे लेके आईए पहला तो मैं इदा लगता है कि जेकर किसी परिवार की एक लेडी पढ़ लिख जाती है तो ऑब्वियसली तो पूरा टब्बर पढ़ लिख जाता है बट महिलावान सड़कों पर जब तक नहीं उतरनगियां सरकार की आवाज़ा नहीं उन्होंने नींद नहीं टुटेगी। भगत सिंह ने एक बंब सुट्टिया असैम्बली के सिर्फ सरकार को जगाने लिए सानू सड़क पर उतरना है महिलावान के नाल बच्चों के नाल तद कि जाके एक आंदोलन शुरू होएगा जब तक कि यह नहीं साडे नाल लगती हैगी तो सानू कितने ना कितने दिक्कत आउंदिया रहणगियां। खास गल तुहाडी पंजाबी बहुत वधिया और चंडीगढ़ च पंजाबी नूं ज़्यादा नहीं पढ़िया जा रहा लगता कि पंजाबी प्रमोट करनी चाहिए।
सर मैं तो पंजाबी दे हक विच हां पहला तो ही, तो इस करके मैनू इदा लगता है कि पंजाबी साड़ी मात भाषा है, इच ही साड़ा जन्म होया, इच ही असी मरना हैगा। सो असी इस मिट्टी च पैदा होए हां, पंजाबी बोलांगे, पंजाबी नाल ही मरांगे। बट मैनू इदा लगता है सर, जेकर असी डूंगी जड़ां विच जाना है तो सानू अपनी मात भाषा नाल जाना पैना है। असी दूजी विदेशी लैंग्वेज नाल उत्थे अपनी जड़ां नहीं बना सकते, उन्हां दी प्रॉब्लम्स नूं नहीं समझ सकते हैगे। हाँ जी, मेरा नाम कृपाल सिंह है जी। मैं अकाउंटेंट जनरल पंजाब चों सीनियर अकाउंट्स अफसर रिटायर होया, तो मैं गल करना चाहुंदा हां सिक्ख्या दा अधिकार कानून 2009 द राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो सरदार मनमोहन सिंह कांग्रेस गौरमेंट ने पार्लीमेंट वालों पास कर उपरंत 1410 तो पूरे भारत में लागू हो गया, परंतु कल्ला ही पंजाब सूबा है जिथे उस एक्ट तहत एक भी बच्चा प्राइवेट अनएडेड स्कूल च दाखिल नहीं होया। उस एक्ट दे विच घट्टो घट 25% सीटा प्री नर्सरी तो लेके 8वीं तक गरीब अते कमजोर वर्ग के बच्चों कटिंग क्रॉस कास्ट क्रीड लैन किसी भी जात का होवे, जो गरीब है उन्होंने स्कूलों के फ्री है। कल्ला पंजाब क्यों रह गया, ये आप सारे कहने गुरु पीर की धरती है, क्यों रह गया? भी उस समय की जो बादल गौरमेंट सी उनकी नीत माड़ी सी, नीत माड़ी होने करके जिहड़ी नोटिफिकेशन की वो डिफेक्टिव की, लेट की, तो डिफेक्ट पाया भी पहला बच्चा जाए सरकारी स्कूल च, जे सरकारी स्कूल च सीट नहीं मिलती फिर वो NOC लेके फिर प्राइवेट अनएडेड स्कूल च दाखला ले सकता। मैनू दसो सरकारी स्कूलों च कोई फिक्स सीट है, जिवें मेडिकल कॉलेजां फिक्स होनी है, जे 50 सीटा है तो 51 दाखिल नहीं कर सकते, भावें चीफ मिनिस्टर चाहे जा गवर्नर, जे 100 सीट है 101 नहीं दाखिल कर सकते। परंतु उस समय की जी सरकार सी उसने नोटिफिकेशन, कोई पावर नहीं है स्टेट गौरमेंट को डिफेक्टिव नोटिफिकेशन इशू करन दी। मैं थोनों एको एग्जाम्पल दिना, कोई सरकार पंजाब गौरमेंट ये कहना भी क्या यह कर सकती है भी असी पंजाब गवर्नमेंट इंपलाई का इनकम टैक्स नहीं कटते, नहीं कर सकती। इस तरह पार्लीमेंट वालों बनाया हुआ कानून किमें इन्होंने वह मतलब कानून का गर्भपात करता, बच्चों की नस्ल कुशी हो गई गरीब अते कमजोर वर्ग के बच्चों की, जोड़े बच्चों ने डॉक्टर इंजीनियर IAS अफसर बनना सी वो बच्चे रह गए लखा बच्चे। साढ़े महकमे की कैग रिपोर्ट CAG ऑफ इंडिया की विधानसभा पेश होगी एज ऑन 31/16/2017 विधानसभा, किसी भी पोलिटिकल पार्टी के किसी लीडर ने मूँह नहीं खोलिया। उस समय बादल गौरमेंट सी, पहले ही जी नोटिफिकेशन की नीत माड़ी होण करके वो की 10/10/2011 जबकि एक दिन का काम है, एक हफ्ते का स्लो फाइल भी चले, जब लागू 1410 तो है, 1410 का विद्यक वरा, 1411 का विद्यक वरा, दो विद्यक वरे कटते, 362 स्कूल तो मोहाली जिले च हैं, 9487 लगभग 9500 पूरे पंजाब च हैं, 14 साल लंघे एक बच्चे का दाखिल ना होना, और किसी भी पोलिटिकल पार्टी का इस मुद्दे पर मूँह ना खोलना ये बड़े दुख की गल है। हूँ आप 15 अगस्त मना जा रहे हैं, गरीब बच्चे उन्होंने मतलब जो मेरी सिक्ख्या नहीं मिली उनकी बौद्धिक नशल कुशी होगी, जिन्हों इंटलैक्चुअल जेनोसाइड कह रहे हैं। तो भगवंत मान गौरमेंट, चलो बादलों ने गड़बड़ करी सी, उन्होंने सज़ा मिल गई, वो आउट हो गए पंजाब चो, कांग्रेस गौरमेंट का बनाया हुआ कानून कांग्रेस लागू नहीं कर पाई, वह भी आउट हो गए। भगवंत मान साहब तुसी तो चेंज वास्ते आए सी, तुसी तो आम आदमियों के बड़िया गल्लां करते हैं, तुसी भी दो विद्यक वरे कटते, पिछले साल मार्च भी तुसी दाखिल कर सकते सी, ते हुण भी कर सकते सी, तुसी भी कुछ नहीं बोल रहे, क्यों नहीं वो नोटिफिकेशन सोध कर सकते? मैं क्वेश्चन करना है भी 15 अगस्त नूं जे तुसी मनाउणी है, तुसी कहने है भी जिहड़ी इक्वालिटी एजुकेशन देनी है विद्या ते एजुकेशन पर तुसी गल्लां बहुतियां करते हैं, तुसी कहने भी असी स्कूल खोलते स्कूल ऑफ एमिनेंट हैं जी, तो ये नोटिफिकेशन सोध क्यों नहीं करते? मैं बेनती करना है भगवंत मान जी, तुहाडा हरा पेन तुसी कहा सी, जे मेरा हरा पेन होगा
आउंदे ही मैं हरा पेन नाल वह आर्डर करूँगा जी नाल विद्या ते हेल्थ पर काम होगा। क्या तुहाड़े हरे पेन की स्याही सुकगी? ये कृपा करके हरे पेन दे नाल ये आर्डर करो ते 15 अगस्त नूं जदों तुसीं 15 अगस्त मनाउणा है उस दिन मैं बेनती करदा असीं तां बेनती कर सकते हैं मैं बेनती करदा भी तुसीं ये एक्ट नूं उस दिन 15 अगस्त नूं लागू करो।